हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ चिल्लाम चिल्लाम कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे तो करो भरोसे वाले, क्योंकि इसके अलावा कोई ज़िंदगी जीने का चारा नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे मिर्ज़ापुर सीज़न 4 के बारे में, यानी 3 अभी रिसेंट एंड हुआ है। और इसमें ऐसा लंड पुना दिखाया गया है, इसमें गोलू दिखाई गई है पूरे एपिसोड के अंदर, पूरे सीरीज़ के अंदर, और साथ में गुड्डू पंडित दिखाया गया। यार हम लोग देखते हैं मिर्ज़ापुर मुन्ना भैया के लिए, कालीन भैया के लिए और गुड्डू पंडित के लिए। ये बीच में शुक्ला जो चूती है लंड, उसको घुसा दिया है, पूरा का पूरा उसको दिखाया है, पूरी की पूरी राजनीति दिखाई है, पॉलिटिक्स। हम उसके लिए लवड़े थोड़े देखते हैं, जिसके लिए देखते हैं उसके लिए आपने सिर्फ 2-4 सीन रखे हैं, और वो भी लंड की तरह पड़ा हुआ है उसके ऊपर, स्ट्रेचर के ऊपर, के बाद भाई बंदा बीमार है। और लास्ट वाले एपिसोड में आके वो कह देता है कि भाई बोल तो नहीं गए हमें इस लंड से, अभी के लिए तो हम लोग नहीं देखते थे, और ना हमने गोलू की गांठ चाटनी थी जिसके लिए हम सारा वो बैठ के देखते रहे। तो अब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा है कि अब इनकी गांठ फटी है मिर्ज़ापुर वालों की, और अब एक बोनस एपिसोड देने जा रहे हैं। और बोनस एपिसोड के जो अनाउंसमेंट है वो इस तरह से की गई है। गुड्डू पंडित यानी कि अली फजल, वो कहते हैं कि भाई एक बंदा था जिसको मैंने मार दिया था, लेकिन वो साला अमर है तो वो वापस आना चाहता है, क्योंकि जलवा है साले का बहुत, और जनता की बहुत हाई डिमांड पे हम उसको वापस लेके आ रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद तो 110% जलवा एक ही बंदे का और अमर भी भोसड़ी वाला एक ही है, वो है मुन्ना भैया। और जिसके दम पे मिर्ज़ापुर चल रहा था वो वापस आएगा तो भाई फिर तो फटेगी ना सबकी। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसी मंथ के अंदर रिलीज़ होगा मिर्ज़ापुर सीजन 3 का एक बोनस एपिसोड, और बोनस एपिसोड में क्या 1-2 शॉट्स आई थिंक होंगे मुन्ना भैया के, वो दिखाया जाएगा कि वो वापस आ गया, ताकि सीज़न 4 का जो है हाइप बढ़ सके। क्योंकि अगर मुन्ना भैया सीज़न 4 में भी ना होता तो मेरे से लिखवा लो ब्लैंक पेपर पर, मिर्ज़ापुर की गांड वहीं पर ख़त्म हो जाती। मिर्ज़ापुर 3 थोड़ा सा फेमस हुआ है तो वो एक जो बंदा इसमें करेक्टर था वो पोइट्री वाला, जो बड़ी मज़े की पोइट्री करता था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फेमस हुआ। बाकी इसके अंदर जितना भी लड़ से आ पता ना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला था। तो भाई अपनी गांड मत मरवाओ, एक जो मेन करेक्टर है मुन्ना त्रिपाठी उसको मत निकालो, कालीन भैया और गुड्डू पंडित इनका झमेला दिखाते रहो, बाकी अपनी मैया चुदाओ या जो मर्जी करो, लेकिन ये करेक्टर यहाँ से मत निकालो। बाकी ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है मिर्ज़ापुर के फैंस की, कि भाई मुन्ना त्रिपाठी अक्का मुन्ना भैया वापस आ रहे हैं, और इसी महीने एक बोनस एपिसोड रिलीज़ होगा मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का, के अंदर मुन्ना भैया सबकी माँ चोते आपको नजर आएंगे। बाकी आप लोगों से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कनेक्शन तो बने ना, बढ़वो।